दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स के बारे में। दोस्तों जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स संबंधित एक बड़ा ही कॉमन सवाल बार-बार मुझसे पूछा जाता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और वो ये है कि क्या जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स का कोई मिनिमम रिचार्ज अमाउंट है जिससे हम इसको रिचार्ज करा सकते हैं, और क्या जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स को जो कि 2 साल की वैलिडिटी के साथ आता है रिचार्ज कराना जरूरी है। तो दोस्तों डिटेल में बातें आज की इस वीडियो में इसी पर होंगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो के अगले हिस्से में जाने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट आपको सबसे पहले और आसानी से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में, और रिचार्ज से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स के बारे में जान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं मिनिमम रिचार्ज अमाउंट के बारे में। दोस्तों मिनिमम रिचार्ज अमाउंट आपको तभी कराना है जब आप कोई भी पेड चैनल देखना चाहते हैं जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स पर, कोई पेड चैनल जो अवेलेबल है सब्सक्राइब करके देखना चाहते हैं तो आपको सेट टॉप बॉक्स रिचार्ज करना पड़ेगा। और उसके लिए मिनिमम रिचार्ज अमाउंट दोस्तों तो चैनल के हिसाब से ही होता है, लेकिन अगर फिर भी आप एक मिनिमम अमाउंट जानना चाहते हैं तो मैंने इसको चेक किया है दोस्तों अपने वीसी नंबर पर कितना रिचार्ज अमाउंट आ रहा है। तो मिनिमम मैंने 20 रुपये से रिचार्ज करने की कोशिश की और रिचार्ज हो गया। तो मान लीजिए मिनिमम रिचार्ज अमाउंट 20 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं आप। आपके सेट टॉप बॉक्स के लिए थोड़ा डिफर हो सकता है, लेकिन मैंने चेक किया है 20 रुपीज़ मिनिमम रिचार्ज अमाउंट हो गया। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप केवल एफटी चैनल से देखना चाहते हैं और जो पेड चैनल्स एक्टिवेटेड है जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स पर डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, केवल वही देखना चाहते हैं, अलग से सब्सक्राइब नहीं करना चाहते चैनल्स को, तो आपको रिचार्ज करने के अगले 2 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये तो बात होगी मिनिमम रिचार्ज से संबंधित। अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर कोई भी पेड चैनल आप ऐड करते हैं यानी सब्सक्राइब करते हैं और वो पेड चैनल आप देखना चाहते हैं तो आपको फिर कितना अमाउंट देना पड़ेगा, रिचार्ज कितना अमाउंट का करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक पेड चैनल के प्राइस के हिसाब से ही आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई एक पेड चैनल 19 रुपये प्राइस का ले रखा है अपने जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स में सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जो उसका टोटल प्राइस बनेगा GST और NCF मिला करके वो 34 रुपये 22 पैसे पड़ेगा। तो 34 रुपये 22 पैसे तो आप रिचार्ज कर ही सकते हैं चाहे तो, लेकिन वो 34 रुपये 22 पैसे राउंड फिगर में नहीं है, तो कम से कम 35 रुपये का रिचार्ज आपको हर महीने करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि लगातार 3 महीने चैनल को कंटिन्यू करें तो फिर आप उसी हिसाब से यानी 34.22 × 3 कर लीजिए और उतने का अमाउंट रिचार्ज कर दीजिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स में जो भी चैनल्स आप सब्सक्राइब करते हैं टोटल प्राइस जितना बनता है, क्योंकि मंथली रिचार्ज अमाउंट तो है ना, तो जितना टोटल प्राइस बनता है चैनल्स सब्सक्राइब करने के बाद आपके, उतना अमाउंट आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी है जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स में, और यही सबसे बड़ी खासियत है जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स की। समय समय पर दोस्तों कई सारे और इन्फॉर्मेशन जिंग सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स संबंधित मैं देता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपके मन में इस वीडियो संबंधित कोई सवाल है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।